ले जनाब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई अब हम चलते हैं पाइथन की लाइब्रेरीज की तरफ जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर डीप लर्निंग टास्क और इस कोर्स के अंदर जिस जिस लाइब्रेरी को हम यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं ये भी बताऊंगा क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है मैं ये भी बताऊंगा एंड एट देंड ऑफ टू डेज लेक्चर यू विल इंस्टॉल ऑल दीज लाइब्रेरीज इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स ये मैं पहले बता देता हूँ जो लोग मेरे साथ पहले दिन से लगे हुए हैं इस कोर्स में छः माह का ये कोर्स है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आप छः माह का कोर्स नहीं कर रहे सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं तो डीप लर्निंग की प्ले लिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग का टास्क जो है उन पर काम कर सकते हैं लेट्स मूव टू आवर स्क्रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास जो है आज का लेक्चर इसमें इम्पोर्टेंट है और ये वाले इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पाइथन लाइब्रेरीज फॉर डीप लर्निंग आज हम देखेंगे और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमारतुफेल है आई एम सी ओ एंड फाउंडर ऑफ कड ले जनाब डीप लर्निंग के अंदर पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं सबसे पहली है टेंसर फ्लो जो गूगल की लाइब्रेरी है ये डिवेल्प बाय गूगल ब्रेन है ठीक है टेंसर फ्लो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज लाइब्रेरीज फॉर डीप लर्निंग ठीक है ये लिंक इसका दिया हुआ है आप स्पेलिंग ये लिखेंगे टेंस फ्लो के तो आपके पास ये प्रॉपर वे में नजर आ जाएगा ऑनलाइन ठीक है और ये डीप लर्निंग की लाइब्रेरी क्यों इंपॉर्टेंट है इट ऑफर्स फ्लेक्सिबल टूल्स फॉर डिजाइनिंग एंड डिप्लॉइंग मशीन लर्निंग मॉडल्स इंक्लूडिंग न्यूरल नेटवर्क ठीक है सो so, टेंसर फ्लो के अंदर न्यूरल नेटवर्क से अलावा भी मशीन लर्निंग मॉडल्स को आप डिप्लॉय कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दोज मॉडल्स एज वेल लेकिन हम इसको डीप लर्निंग के टास्क के लिए यूज करेंगे एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर लाइब्रेरीज इन आर डीप लर्निंग कोर्स नेक्स्ट चलते हैं अगली लाइब्रेरी जनाबे वाला जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड केरास इसको मैं कीडास के नाम से भी बोलता हूँ जस्ट टू रिमेंबर टेंसरफ्लो फ्लो पीछे वाली थी ये है केरास केरास बेसिकली इस वक्त अगर आप टेंसरफ्लो फ्लो को इंस्टॉल करेंगे इसी के अंदर पाई जाती है बट दिस वॉज एक्चुअली डिवेलप्ड एज एन इंटरफेस फॉर टें फ्लो केरास इज नोन नॉन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडलीनेस मॉडुलैरिटी एंड ईज ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी इट्स एक्सलें इट्स इट इज़ एन एक्सेलेंट टूल फॉर बिगनर्स एंड अलाउज फॉर फास्ट एक्सपेरिमेंटेशन विद न्यूरल नेटवर्क्स ये बहुत फास्ट काम करती है और बहुत इजी टू यूज़ है न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए और न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए लेयर्स को समझने के लिए और बाकी बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए इस वजह से डीप न्यूरो नेटवर्क के अंदर जो दूसरी लाइब्रेरी है वो किरास है ठीक है किरास भी इसे बोलते हैं और पहली जो मैंने टेंसर फ्लो बताई थी द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस वन फॉर रिसर्चर्स इज पाई इसको अक्सर अकात लोग पाइटॉर्च बोलते हैं और जो बिगनर्स हैं वो इनको पाईटॉर्क भी इसे कह देते हैं विच इज नॉट ट्रू दिस इज पाईटॉर्च लाइब्रेरी एंड इट्स डिवेल्प बाई फेसबुक पहली गूगल से बनी हुई है जिसको हम टेंसर फ्लो बोलते हैं ये वाली बनी है फेसबुक के थ्रू फेसबुक ए आई रिसर्च ने इसे बनाया है टॉर्च इज़ नॉन फॉर इट्स फ्लेक्सीबिलिटी एंड डायनामिक कंप्यूटेशनल ग्राफ ठीक है विच अलाउज चेंजेस टू द नेटवर्क ऑन द फ्लाई इट इज पर्टिकुलरली पॉपुलर इन रिसर्च ड्यू टू इट्स ईज ऑफ यूज एंड पाइथोनिक इंटीग्रेशन जिसको पाइथन एडवांस लेवल पर आती है पॉर्लोप का पता है ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग का पता है जिसमें क्लासेज आप वगैरह बनाते हैं या ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं या फंक्शंस को डिजाइन करते हैं दैन मोस्ट ऑफ द पीपल आर आर प्रेफरिंग पाइटॉर्च ठीक है लेकिन ये ज्यादातर रिसर्चर्स जिसे यूज करते हैं क्योंकि पाइथोनिक इटीग्रेशन यानी कि पाइथोन जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे ही यूज होती है वही फंक्शन है वही फॉरलोप है वही सारी की सारी क्लासेज हैं और वैसे आप इसे यूज़ कर लेते हैं

फाइंड अदर लाइब्रेरीज टू बी यूज इन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग टास्क उन सारी की सारी लाइब्रेरीज को आपने एन लिस्ट करना है इन कॉमेंट सेक्शन ताकि पता चले कि आपने अभी तक जितना सीखा है वो कितना सीखा है ठीक है अपने कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे ज़रूर बताएं कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज आप डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ करते हैं लेकिन रुको जरा सबर करो इस असाइनमेंट को करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि डीप लर्निंग में टेंसर फ्लो इज द बेस्ट लाइब्रेरी फॉर डीप लर्निंग टेंसर फ्लो क्यों हम यूज करेंगे उसकी रीजन है एक तो ये रोबस्ट एंड स्केलेबल है ठीक है ये बहुत स्मॉल एंड लार्ज डीप लर्निंग मॉडल्स को एफिशिएंटली डील करती है फ्लेक्सिबल है बहुत फ्लेक्सिबल है क्यों क्योंकि वाइड वरायटी ऑफ मॉडल्स को डील करती है सिंपल न्यूरो नेटवर्क भी है कंप्लेक्सिटेक्चर वाले भी कम्युनिटी एंड इको इसका बहुत अल है बहुत ज़्यादा इसकी सपोर्ट है अगर आप कहीं पर अटक जाते हैं कोई मसला आ जाता है इंस्टॉशन का या आपकी लाइब्रेरी काम नहीं कर रही तो देर आर मेनी पीपल हु आर हेल्पिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन उन गूगल और ये क्योंकि गूगल की डिवेलप की हुई है तो उनके अपने कोर्सेज बहुत ही मौजूद हैं फिर इंटीग्रेशन विध केरास केरास इसी के साथ इंटीग्रेट हो गई है जिसकी जिससे आपको यूजर फ्रेंडली हाई लेवल एपीआई के थ्रू सीमलेस इंटीग्रेशन मिलती है गूगल स्पोर्ट है इसके पीछे तो आपके लिए अपडेट और इंप्रूवमेंट अब तकरीबन हर क्वार्टर के बेस पे आपके सामने आती है टेंसर बोर्ड इसके अंदर मौजूद है जो एक काइंड kind ऑफ of, आप कह सकते हैं डैश बोर्ड है जिसके अंदर आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं सिमिलर टू पावर बी आई का डैश बोर्ड और कोडिंग के थ्रू ये सारा टेंसर बोर्ड काम करता है विच वीर गोइंग टू लर्ट रिसर्च एंड प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्यों क्योंकि ये डिवेलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट दोनों के लिए काम करेगी लार्ज मॉडल्सपोर्ट को भी ये सपोर्ट करती है यानी कि आप स्टेबल डिफ्यूजन के मॉडल हो गए या लार्ज स्केल मॉडल वो आप टेंसर फ्लो के थ्रू ही यूज कर पा सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड हार्डवेयर सपोर्ट यानी कि जी यूज़ भी इस पर यूज़ कर सकते हैं सी यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं और आप मोबाइल सी यूज़ वगैरह भी इस पर यूज़ कर सकते हैं विच इज़ काइंड ऑफ काइंडफ़ल वर्सीटाइल कंपेटिबिलिटी विद वेरियस डिवाइस जिसको सी पी यू जी पी यूज टी बोला जाता है उसके थ्रू आप इस पर काम करते हैं क्योंकि डीप लर्निंग बहुत ही एक हैवी कंप्यूटेशन होती है इस वजह से जी आपके पास अगर नहीं है तो आपको चाहिए कि जी जो हैं वो यूज़ अपने पी के अंदर लगवाएं या अगर आपके पास पी सी जी वाला नहीं है और आप डेटा साइंस में आने वाले हैं तो थिंक अबाउट इट कि आप जी अगर लगवा लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर देन इट विल हेल्प यू अ लॉट टू लर्न कि जी जो हैं वो आपकी कंपटिशन की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे ठीक है अब चलते हैं कि डी पाईटॉर्स एक और लाइब्रेरी है लेकिन पाइटॉर्च इज़ ऑल्सो अ नाइस लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है लेकिन ज़्यादातर लोग टेंस फ्लो को ही प्रेफर करते हैं बट वी विल लर्न बोथ ऑफ दीज ये डायनेमिक कंप्यूटेशन ग्राफ की बेस पे चलती है जिससे क्या होता है बेसिकली इजी इजी होता है इसके न्यूरल नेटवर्क को मॉडल को बिल्ड करना ठीक है पाइथोनिक नेचर है जैसे मैंने पहले बताया कि पाइथन की तरह यह काम करती है इसलिए बहुत ज़्यादा रिसर्चर इसे यूज़ करते हैं क्योंकि लोगों का पाइथोन की प्रोग्रामिंग के ऊपर हाथ सेट बैठा होता है वो कहते हैं कि ठीक है पाइटॉर्च ले आओ हमने सिर्फ क्लासेस बनानी है एंड एट दी एंड हमारा मॉडल रन कर जाएगा इसकी भी स्ट्रॉग कम्युनिटी सपोर्ट है क्योंकि ये फेसबुक ने बनाई है तो इनका भी अच्छा खासा ओपन सोर्स कम्युनिटी सपोर्ट है सिमलेस इंटीग्रेशन विद पाइथन लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज़ जो नम पाई है साई पाई है या अदर लाइब्रेरीज़ वो इनके साथ जुड़ भी जाती हैं यानी कि तीनों लाइब्रेरीज़ को इकट्ठा भी आप यूज़ कर सकते हैं नम पाई की तरह ही टेंसर्स जो हैं इसके अंदर यूज़ होते हैं एंड इसी वजह से इसको नम पाई विध जी भी बोला जाता है यानी कि जब आप नम पाई वाला काम जी के थ्रू यूज़ करके कर लें तो उसको पाइटॉच बोला जाता है टेंसर्स के तौर पर और टेंस क्या होते हैं इसको हम बाद में इंशाल्लाह देखने वाले हैं ये इफेक्टिव होती है रिसर्च एंड प्रोटोटाइपिंग के लिए ठीक है और रिसर्च कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा यूज़ करती है जी पी यू एक्सर इसके अंदर नेटिवली होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड है यू डोंट नीड टू राइट एनी थिंग डायरेक्टली आपका जी पी यू सपोर्ट हो जाएगा टॉर्च स्क्रिप्ट एंड प्रोडक्शन आपके पास इसकी एडवांस लेवल पर होती है टॉर्च स्क्रिप्ट क्या है ये आपके लिए सीरियलाइजेबल या ऑप्टोमाइजेबल मॉडल्स को बनाता है जो सीरियल लाइन के अंदर बनते हैं और आप इससे मल्टीपल कंप्यूटेशन कर सकते हैं ये प्री ट्रेन मॉडल एंड फ्रेमवर्कस को भी यूज़ करता है जिसको हम रेजनेट्स बोलते हैं और इसी वजह से हम इसको भी यूज़ करने वाले हैं जैसे कि टॉर्च टेक्स है टॉर्च विजन है एंड देर आर मेनी अदर मॉडल्स जो ऑलरेडी डिफरेंट डेटा पे ट्रेन हुए हैं बट वी विल यूज़ दोज मॉडल्स क्यों क्योंकि वो मॉडल्स जो हैं हमें एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग के लिए हेल्प आउट करेंगे से फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल ट्रेन हो चुका है दुनिया की तस्वीरों के ऊपर लेकिन हमने अपना एक मॉडल ट्रेन करना है जो सिर्फ और सिर्फ लीव्स यानी कि पत्तों की तस्वीरों पे ट्रेन हो तो हम उसी मॉडल को उठाएंगे जो ऑलरेडी ट्रेन है और उसको फर्दर और भी ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे दिस इज वाई प्री ट्रेंड मॉडल्स के लिए पाइटॉर्च बहुत ही ज़्यादा अहम है फिर ऑटोग्रेड मॉड्यूल फॉर ऑटोमेटिक डिफ्रेंशिएशन के लिए ऑटोग्रेड इसका फीचर है जो अभी तक टेंसर फ्लो में नहीं है इस वजह से रिसर्चर इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है इसी लेक्चर के बाद टेंसर फ्लो एंड पाईटॉर्च इन दोनों को आपने इंस्टॉल करना है और ये असाइनमेंट आपके सामने है आपने क्या करना है आपने बेसिकली ये जो दो लाइब्रेरीज हैं एक एक आपके पास है जनाब जो टें फ्लो और एक है आपके पास पाइटॉर्च आपने दोनों लाइब्रेरीज को डिफरेंट एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना है एक एनवायरनमेंट का नाम आप रखेंगे टी एफ अंडर स्कोर ई एन वी और एक का नाम आप रखेंगे पाईटॉर्च अंडर स्कोर ई एन वी ठीक है ये दो आपने नाम रख लेने हैं एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल बोथ ऑफ दीज लाइब्रेरीज यहाँ तक क्लियर हो गया और अगर आपके पास जी पी यू है तो आपने इनकी वेबसाइट्स पे जाके देखना है कि हाउ यू कैन इनेबल जी पी यू ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इफ़ यू हैव दैट वन ठीक है तो जी पी यूज अक्सर क्या था आपके पास एन वीडिया का होगा में से काफ़ी लोगों के पास मैक बुक होगी एम वन की तो आपने उसके हिसाब से ये चीज़ें जो हैं इन्हें इंस्टॉल करना है अब कहाँ से इंस्टॉल करना है कैसे इंस्टॉल करना है और हर सिस्टम के लिए ये स्पेसिफ़िक है और इसी वजह से मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं हर सिस्टम के लिए बट आई विल शो यू सम बेसिक मैथडोलॉजीज कि कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं गिव मी वन सेकेंड मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ दोबारा शेयर करता हूँ और स्क्रीन के ऊपर फिर देखते हैं जाके कि कैसे हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं जस्ट सेकेंड आपने जाना है फ्लो की लाइब्रेरी पे टेंो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी पड़ी हुई है ठीक है ये इसकी वेबसाइट है टेंसर टेंसर फ्लो फ्लो की टेंसर्फ्लो के 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 इंस्टॉल इंस्टॉल बटन बटन पे आपने बटन पे आपने क्लिक क्लिक करना है जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहां पे आपको टेंसर फ्लो का सारे के सारा मेथड मिल जाएगा कैसे इंस्टॉल करना है ठीक है और आपने क्या करना है आपने यहां से कोंडा के इन्वायरमेंट के अंदर टेंसर फ्लो को इंस्टॉल करना है ठीक है यानी कि आप एक कोंडा का इन्वायरमेंट बनाएंगे और उसके अंदर टेंसर फ्लो को इंस्टॉल करेंगे और टेंसर फ्लो जो है वो तीन 3.8 पाइथन से लेके 3.11 पाइथन के वर्जन के ऊपर चलती है और उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है सो यू कैन सी कि आपने पाइथन का वर्जन कौन सा करना है एंड हाउ कैन यू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी ठीक है एक और चीज ये होती है कि आप Google पे जाएं Google पे जाके वहां पे लिख दें कि इंस्टॉल टेंसर फ्लो विया कोंडा विद जीपीयू और विदाउट जीपीयू आपने यहां पे लिख देना ऑन विंडोज़ 10 अगर लिखेंगे तो विंडोज़ 10 पे आ जाएगा विंडो 8 लिखेंगे वो आ जाएगा सो आपके पास इस तरीके से लोगों के बनाए हुए अच्छे खासे ब्लॉग्स आपके पास नजर आ जाएंगे आप उनको इंस्टॉल करेंगे और उसको फिर टेस्ट भी कर लेंगे ठीक है जैसे ये मेरे पास सेट क्लाउड का है जटून क्लाउड का तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउ कैन यू इंस्टॉल यहाँ पर चेक करें यह आपके पास क्यों टोल किट है अगर आपके पास जी वाली स्पोर्ट है तो आप इस लिंक पर चले जाए दिस इज़ वर्किंग फाइन और एक लिंक मेरे पास है गूगल पे मैं जाता हूं गूगल पे जाने के बाद यहां पे मैं लिखता हूं इंस्टॉल टेंसर फ्लो ऑन एम वन मैक विद जीपीयू सपोर्ट, ठीक है सो so आपके पास ये वाला पहले वाला ही गिटअप की रेपोजिट्री ओपन हो जाएगी देन यू कैन इंस्टॉल ऑन मैकबुक अगर आपके पास मैकबुक है ये विंडोज के लिए और लिनक्स के लिए भी आप इसी तरीके से टें फ्लो को इंस्टॉल कर सकते हैं आपने सेपरेट इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ कि सेपरेट इन्वायरमेंट के अंदर कैसे इंस्टॉल होगा यहाँ पे यह अगर आप देखें ये मेरे पास सेपरेट इन्वायरमेंट के अंदर टी एफ अंडर स्कोर ई एन वी के अंदर इंस्टॉल है और मैं पाइथन थ्री पॉइंट एट के साथ अपनी मैकबुक में इसे इंस्टॉल किया हुआ है सो सेपरेट इन्वायरमेंट आपने यही नाम दे दें या कोई और दे दें इट्स अप टू यू बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो टी एफ अंडर स्कोर ई एन वी ये वाला इन्वायरमेंट का नाम दे दें टी एफ अंडर स्कोर ई एन वी और मेरे पास जो पाई टॉर्च का एन्वायरमेंट है अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने उसको नाम दिया हुआ है जस्ट अकेंड कहा गया टॉर्च डैश जी पी यू तो आप इसको टॉर्च डैश जी पी यू का भी नाम दे दें अगर आपके पास है वरना पाई टॉर्च का दे दें सो so उसको कैसे इंस्टॉल करना है आपने डायरेक्टली जाना है पाई टॉर्च PyTorch की लाइब्रेरी के ऊपर जाना है लिंक ओपन करने के बाद इसका बहुत आसान तरीका है इंस्टॉल करने का गेट स्टार्टिड पे आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहां पे ये देखें यह आपने बताना है कि PyTorch बिल्ड गोल्स की करनी है आपने स्टेबल वर्जन करना है जो आपके पास पीसी है उस पर क्लिक कर देना है मेरे पास लिनक्स है मैक है या विंडोज है तीनों पे कोई भी हो वो क्लिक कर दूंगा क्लिक करने के बाद मैंने कोंडा के थ्रू इंस्टॉल करना है उस पर क्लिक कर दिया पाइथन में इंस्टॉल करना है उस पर क्लिक कर दिया सीपीयू अगर आपका है जीपीयू नहीं है तो सीपीयू पे क्लिक कर दें अगर आपके पास जी है तो आपने कूडा वर्जन देख लेना है कि आपके जी का कूडा वर्जन कौन सा है खासतौर पर ये एन वालों को पता होगा एन का जो आपके पास अगर ग्राफिक कार्ड है तो तो आपने ये काम खुद से करना है और ये खुद से इंस्टॉलेशन करनी है मैं सी पे क्लिक करता हूँ और सी पे क्लिक करने के बाद ये एक कमांड है जनाब वाला आप इसके थ्रू इंस्टॉल कर लेंगे लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू एक्चुअली क्रिएट अ न्यू इन्वायरमेंट ठीक है कोंडा क्रिएट इन्वायरमेंट करने के बाद आप ये वाली कमांड चलाएंगे तो आपका सी के ऊपर सारी की सारी टॉर्च टॉर्च जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी ठीक है पाइथन का वर्जन कौन सा है और सब कुछ क्या है आप यहां पे देख सकते हैं नोट लेटेस्ट पाई टॉर्च रिक्वायर पाइथन 3.8 और लेटर तो यूजुअली 3.8 से ऊपर वाला होना चाहिए और अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि आपने पाइथन भी यहाँ पे इंस्टॉल करना है एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था मैं यहां पे लिखता हूँ इंस्टॉल पाई टॉर्च विद जी ऑन एम वन मैक तो मैं जैसे ये लिखता हूँ क्योंकि एम वन एम टू मैक के ऊपर आपके पास डिफरेंट टूवर्ड्स इन डेटा साइंस या डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स आ जाएंगे अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी ली हुई तो अक्सर उद ये चल जाते हैं अदरवाइज़ आप इसको आ, अपने फर्स्ट टाइम में इसे चला के देखें फर्स्ट टाइम से मुराद है कि आप यहाँ पर लॉग इन किए बगैर चला के देखें या को इनकोगनेटिव मोड में चला लें नहीं तो वीडियो देख लें लोगों ने बहुत वीडियोज़ बनाई हुई हैं और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो आप यहां से व्लॉग्स को पढ़ ब्लाग्स को देखते जाएं एंड देन यू विल हैव एन आइडिया कि आप किस तरीके से M1 M2 पाई टॉर्च पर ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास ये वाला जो है बंदा ये बहुत ही काबिल बंदा है तो कोड फॉर दिस वीडियो भी उसने दिया हुआ है तो ये जनाब अला मैंने यहाँ पे इसका पूरा कोड निकाल लिया एंड यू कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया कि ये अगस्त के अंदर इसने इंस्टॉलेशन का बताया कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास पाई टॉर्च को और ये इंस्टॉल करने के बाद आपको एक कोड भी देते हैं जिसे आप चेक कर लेते हैं कि आपके डिवाइसेस काम कर रही हैं कि नहीं सो यू हैव टू इंस्टॉल एंड चेक अगर आपके पास ये सब कुछ इंस्टॉल हो जाता है एंड आफ्टर चेकिंग दो थिंग्स एवरी थिंग इज वर्किंग फाइन तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आई हैव इंस्टॉल्ड टेंसरफ्लो फ्लो एंड पाई इन टू सेपरेट इन्वायरमेंट्स एक का नाम है टक एक का नाम है पक नहीं एक का नाम है टी एफ अंडर्स और दूसरे का नाम है क्या पाइटॉर्च डैश जी पी यू रख लेंगे या पाइटॉर्च डैश समथिंग uh, रख लें या पाटॉच अंडर स्कोरिंग एन वी रख लें इट्स अप तो टू यू लेकिन मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा मैं टेंथ फ्लो का बताऊंगा कि मैंने टेंस फ्लो का एनवायरमेंट एक्टिवेट कर लिया एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्स सम अदर थिंग्स टेंस फ्लो के इन्वायरमेंट के अंदर आपने साइकिट लर्न को भी इंस्टॉल करना है टेंस फ्लो वाले इन्वायरमेंट के अलावा पाटॉच में भी साइकिट लर्न को इंस्टॉल करना है एंड यू हैव टू इंस्टॉल ऑल द लाइब्रेरीज जो आपने पहले भी की है जिसमें पांडास नम पाई मेट प्लॉट सी बॉन प्लॉटली एंड साइकिट लर्न है ठीक है साईपाई भी कर लें सात लाइब्रेरीज पांडास numpy seaborn plotly matplotlib scipy and आपके पास जो मैंने बताई है scipy stats c चलें हां ये सारी libraries कर लेनी है अगर कोई extra है तो फिर हम देख लेंगे तो ये इंस्टॉलेशन करने के बाद हम फिर देखेंगे कि कैसे एक न्यूरॉन नेटवर्क डिजाइन होता है और ये काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं राइट जी यहां तक क्लियर हो गया